तो ये गाजी का है कुर्ता और ये पजामा। और ये है अहद अब्बास का कुर्ता और ये इनका पजामा है। बड़ा करीब से बड़ा पूरा डिजाइन देखो। तो ये दोनों के ईद के कपड़े आ गए हैं कुर्ते। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? माशाल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे हो रही है अफ्तारी की तैयारियाँ। तो ये देखिए, बेसन में सब मिला के रख दिया है और यहाँ आलू छील के रख दिए। यहाँ बटाटे की भजिया बनेगी और ये पकौड़े बनने जा रहे हैं। आज रोज़ा खुलवा रहे, घर में अफ्तार होगा। और सब यहाँ पे यहाँ चने रख दिए हैं उबालने के लिए और मम्मी खड़ी है। यहाँ मैं देखिए बेसन फेंट रही है, ये सो रहे हैं बच्चे लोग। कासिम सो रहे हैं यहाँ पे। अलीशान नया कूलर लेके आए हैं, एसी अभी नहीं चल रही है तो अभी कूलर ही। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, बाहर हवा चल रही है, इस वजह से कूलर ही ठंडी हवा एसी का काम कर रहे हैं। ये सब देखिए कैसे सब बॉटलें कैसे रखी हुई है कितनी। भाई लोग मेरे यही काम करते हैं तो ला ला के खूब जमा करे रहते हैं। यहाँ घर पे पूरा गोदाम बना के रखे हुए हैं। थोड़ी यहाँ पे रखी हुई है। पापा नीचे सो रहे हैं, नीचे उनको नीचे अच्छा लगता है, नमाज़ पढ़ते हैं वो नीचे ही सो जाते हैं। पापा दादी के पास जाके वही नीचे सो जाते हैं। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं भी जाग रहे हैं। तो यहाँ देखिए गाजी सो रहा है नाना के साथ अपने। दादी सो रही है। बाहर तो बहुत गर्म है, धूप बहुत तेज़ भयानक धूप निकली, देख के घबराहट होती है धूप। मैं यहाँ जा रही हूँ प्याज को काटने और थोड़ा बहुत तैयारी हो गई है और रह गई है थोड़ी बहुत। जो बॉटलें हैं ठंडी वो सब अपनी फ्रिज में अब तक रख रही हैं। साथ में एक बॉटल भी देंगी उसकी ट्रॉपिकाना की। तो गाइस रमज़ान इतने लिए चले गए कि मालूम नहीं पड़ा, आज 28 रमज़ान हो गए। रमज़ान माशाल्लाह कितना अच्छा लगता है, कितनी रौनक रहती है, बरकतों का महीना रहता है। उसके बाद बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगे। ईद वाले दिन तो बस ईद की इंतज़ार होता है, ईद आ जाए ईद आ जाए। ईद तो और नहीं मालूम पड़ती कब आई चली गई, सन्नाटा हो जाएगा रमज़ान के बाद, बिल्कुल रौनक चली आती है। तो यहाँ पे अम्मी निकाली हैं मिर्ची। यहाँ पे देखिए और तैयारियाँ हो गई हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे अम्मी बना रही हैं मिर्ची, उसमें आलू डाल के। तो ये चने उबाल हो गए हैं। कासिम उड़ गए हैं परेशान करने, देखिए छुपे हुए परेशान कर रही है। सो के उड़ गया। यहाँ पर देखिए चने में हरी धनिया और नींबू निचोड़ के डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्राई हो गई है, इसको अब निकाल लेंगे। आलू बड़ी मिर्ची और यहाँ चने बन के तैयार हो गए। कासिम यहाँ बैठे, क्या हो बाबू क्यों बैठे हुए? गाजी सो रहे हैं तो कासिम को अच्छा नहीं लग रहा है, अकेले बैठे हैं चुपचाप। और इसी तरह और भी सब ऐसी बनेंगी।
इसके बाद बनाएंगी बटाटे की भजिया। आलू बोला कब बताता आलू की भजिया तो अब यहाँ पे बन रही है बटाटे, सॉरी आलू की भजिया बन रही है। अम्मी को बटाटे कहते बटाटे मत बोला कर क्या करे, वो मुँह से वही निकलता बार बार, बॉम्बे में तो बटाटे बोलते ना। काफ़ी अच्छी ले रही तो माशाल्लाह से देखिए बिरयानी पक के आ गई है। अम्मी पैक कर रही है डिब्बे में। ये कितने किलो बनी है? लाइए ऐसे ऐसे बैठेंगे तो कितने अपने हमारे मन वाले बेचारे खाएंगे तो गई जान। तो गाइस हम लोग का रोज़ा खोलने का वक्त हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं रोज़ा खोलने। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द वीडियो भेज सके। आज के लिए खुदा हाफिज़।